जनपद टिहरी में 5 दिवसीय टिहरी एक क्रो फेस्टिवल का कोटी कॉलोनी में शानदार आगाज हुआ है, जिसमें देश विदेश के 130 पायलट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 50 विदेशी और 80 भारत के विभिन्न राज्यों के पायलट शामिल हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा टिहरी एक क्रो फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी को टिहरी एक्रो फेस्टिवल की बधाइयां देते हुए कहा कि टिहरी झील के पूरे क्षेत्र की सुंदर छटा में जल क्रीड़ा और साहसिक खेलों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विश्व के मानचित्र क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पैराग्लाइडिंग की सफलता, पर्यटन की निरंतरता और देश विदेश में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए यह अच्छी शुरुआत है। अच्छा प्रशिक्षण यहाँ दिया जाने वाला है और मैं कह सकता हूँ पैराग्लाइडिंग क्षेत्र में P1, P2, P3, P4 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, मैं इसके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ और कह सकता हूँ कि हम सभी लोग इस के सफलता के लिए दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, उत्तर काशी में हमारे 41 श्रमिक पूरे देश के वहां पे फंसे हैं, उनके लिए भी इसके माध्यम से हम दुआ करें। अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ तो हमारे कुछ प्रतिभागी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके साथ साथ पैराग्लाइडिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम तरह के टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ने से यहाँ के लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और आप सबको लोग यहाँ पर